आयकर विभाग ने नोटबंदी के दौरान अपने अकाउंट में 15 लाख से ज्यादा की रकम जमा कराने वाले करीब 2 लाख लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक नोटबंदी के ऐलान के बाद कई लोगों के अकाउंट में 15 लाख से ज्यादा की रकम जमा की गई, लेकिन इस पर कोई रिटर्न फाइल नहीं की गई। डिपार्टमेंट ने दिसंबर और जनवरी में ऐसे करीब 2 लाख अकाउंट होल्डर्स को नोटिस भेजा है। चंद्रा ने बताया कि पिछले 3 महीने में टैक्स चोरी, देर से टैक्स फाइल करने वाले और हेरा फेरी करने वाले करीब 3,000 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा डिजिटाइजेशन और को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई असेसमेंट पर फोकस कर रहा है। इस साल ई असेसमेंट को ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है और पिछले 3 महीने में ही करीब 60,000 ई असेसमेंट किए गए हैं। ई असेसमेंट के तहत कोई भी शख्स अपना टैक्स ऑनलाइन फाइल कर सकता है, जिससे उन्हें बार बार इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद 500 और 1000 के नोट करेंसी के चलन से बाहर हो गए थे।